गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ये टॉपिक मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, मैं रिवीजन करवा रही हूँ आपको इसका। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल केवल तीन वर्ड्स होते हैं बच्चों, एक होता है ए, दूसरा होता है एन और तीसरा होता है द। अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल क्या है तो आप बता सकते हैं ए एन द का यूज ही आर्टिकल कहलाता है। अब बात आती है ए एन और द को यूज कहाँ और कैसे किया जाता है। तो बच्चों ए एन और द का यूज जिन सिचुएशंस में या जिन वर्ड्स के साथ किया जाता है उनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप सभी अपनी बुक खोले, कॉपी खोलकर इसको ध्यान से सुनेंगे और बाद में इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल आर यूज टू क्वालिफाई द नाउन। आर्टिकल क्या करता है? क्वालिफाई करता है नाउन को, यानी नाउन के बारे में बताता है। There are two types of article. यहाँ दो तरह के आर्टिकल यूज किए जाते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हमेशा द का यूज किया जाता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज किया जाता है। तो द का यूज कहाँ होता है? बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी हम किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हो, जैसे लाइक अ फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं, कोई फिल्म हीरो हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है या कोई बड़ा बिजनेस आइकॉन हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो हम अगर उनकी बात कर रहे हैं तो उनके नाम के साथ हम किसको इंडिकेट करेंगे बच्चों? द को करेंगे। द पर्टिकुलर पर्सन, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है जो ऐतिहासिक इमारतें होती है, लाइक ताजमहल, कुतुब मीनार, है ना, हवा महल, जंतर मंतर, ये सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं। एंड होली बुक्स, होली बुक्स होते हैं हमारे धार्मिक किताबें, जैसे गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, ठीक है। और रिवर्स, रिवर्स जैसे नदियाँ, हमारे पूरे विश्व में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं और अगर हम नदियों का नाम इंडिकेट करते हैं, उनको लिखते हैं, तो उनके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं? द लगा देते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ विशेष किताबें, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स का नाम लगाने से पहले भी, लिखने से पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। अब बात करते हैं यूज ऑफ ए। बिफोर द सिंगुलर नाउन बिगिन विद द कॉन्सनेंट एंड साउंड। ए का यूज होता है सिंगुलर नाउन और कॉन्सनेंट्स के साथ। कॉन्सनेंट्स मैंने आपको बता रखे हैं बच्चों, ए से जेड तक के 26 लेटर में से जब हम 5 वोवल्स निकाल देते हैं, उनके बाद जो 21 लेटर्स वहां बच जाते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। कॉन्सनेंट्स होते हैं जैसे कॉन्सनेंट्स के साथ हम लोग ए का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड इन यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी एक आपका कॉन्सनेंट वर्ड हुआ। इसके साथ ही ऋषभ इज रीडिंग अ बुक, तो देखिए यहां हमने किसको यूज किया? ए को यूज किया। इन अ यूनिवर्सिटी, मैं एक यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूं। इसी तरीके से एन, एन का यूज होता है वोवल्स के साथ। 26 अल्फाबेटिकल जो वर्ड लेटर्स होते हैं बच्चों, उनमें से 5 वोवल निकालते हैं, कॉन्सनेंट बन जाते हैं। जो 5 वोवल्स जो हम वर्ड निकालते हैं ए ई आई ओ यू, वो उनका यूज किसके साथ होता है? एन के साथ। जैसे आई एट एप्पल एवरी डे, एप्पल का ए फर्स्ट लेटर आपका वोवल है, इसलिए इससे पहले हम किसको यूज कर रहे हैं? एन को यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से वी यूज अम्ब्रेला टू अवॉइड रेन, बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेले का यूज करते हैं। तो अम्ब्रेले का फर्स्ट लेटर यू, इट्स वोवल, तो हमने यहाँ किसको यूज किया? एन को यूज किया। तो बच्चों ये हमारे आर्टिकल होते हैं जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि द का पर्टिकुलर यूज कहाँ होगा। बच्चों द का पर्टिकुलर यूज होगा पर्टिकुलर पर्सन्स, होली बुक्स, रिवर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ठीक है। और आपका ए का यूज होता है कॉन्सनेंट्स के साथ, जो कि 26 लेटर्स होते हैं हमारे। 26 में से जब 5 लेटर्स माइनस हो जाते हैं यानी वोवल हट जाते हैं, तो बचे हुए लेटर्स जो होते हैं कॉन्सोनेंट, उनके साथ हम लोग ए का यूज करते हैं। और जब हम बात करते हैं एन की, तो जो वोवल हम लोग निकालते हैं अल्फाबेट फैमिली से, जो 5 वोवल्स निकालते हैं ए ई आई ओ यू, उसके साथ हम एन का यूज कर रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा हुआ आर्टिकल। तो यहाँ दी गई डेफिनेशन प्लस इनके एग्जांपल्स जो मैंने आपको पढ़ाने के लिए यहाँ लिखे हैं, ये कंप्लीट वर्ड आप अपनी पूरा वर्क आप अपनी कॉपी में करेंगे और इसको रीड भी करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।